आज जो गेस्ट है हमारे साथ में यहाँ पर बैक स्टेज में, उनके 5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी यूट्यूब पे एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, लेकिन अब वो बात करते हैं पैसिव इनकम के बारे में और आप पैसे से पैसा कैसे कमा सकते हो उसके बारे में। सो लेट्स गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली पुष्कर राज ठाकुर। ज्यादातर लोगों को ऐसा लग रहा होगा ये हमारी पहली मुलाकात है, बट सर ये हमारी पहली मुलाकात नहीं है। बट मुझे तो यही लग रहा है कि हमारी पहली मुलाकात है। बट हमारी पहली मुलाकात नहीं है। 2013 में सर का एक सेशन हुआ था अनस्टॉपेबल, तो वहां पर मैं एज अ गेस्ट में अपनी, आज वो मेरी वाइफ है, उसके साथ बिल्कुल सेंटर में बैठा हुआ था। अगर आज भी आप वो वीडियो देखेंगे तो 21 मिनट 24 सेकंड पे आई गेस आपको मेरी वाइफ दिख जाएंगी, उसके जस्ट साथ में मैं बैठा हूँ। अच्छा, तो सर ये हमारी पहली मुलाकात नहीं है, ये मैं बताना चाहूंगा सबको। मेरे पास इनफैक्ट उस सेशन की फोटोग्राफ्स भी हैं, और मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि 2013 में आई वॉज एन ऑडियंस। सो कुछ सालों का फर्क है दोस्तों, बहुत जल्दी आप भी यहां पर होंगे और सर और हम साथ में बैठे होंगे स्टेज पर। मैंने जो आपकी वीडियोस देखी उसमें मैंने ये नोट किया कि आप पैसिव इनकम के बारे में ज्यादा बात करते हैं, तो इससे पहले कि ऑडियंस आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे पैसिव इनकम क्या होती है। आई स्टार्टेड माय करियर व्हेन आई वाज 17। आई वाज नॉट इनटू नेटवर्क मार्केटिंग व्हेन आई वाज 17। मुझे पता लगा भाई इस तरीके के सेशंस होते हैं जहां पे लोगों को मोटिवेट किया जाता है, तो मुझे उसमें जाना बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि उन लोगों की जो बातें होती थी ना वो मेरे आसपास के सर्कल से अलग होती थी। और वहां पर मुझे कंसेप्ट समझ आया, किताब मेरे मुझे पता लगी जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। कितने लोगों ने पढ़ी है यहां पर? तो उसमें एक कंसेप्ट बड़ा क्लियरली समझाया है कि भाई अल्टीमेटली 90% से ज्यादा लोग दुनिया के इधर एम्प्लॉयड हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और लेस देन 10% लोग बिजनेस या इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट जो 10% लोग है ना वो 90% पैसा दुनिया का होल्ड करते हैं। तो ये समझ आ गया कैटेगरी में कौन सा जाना है, या तो बिजनेसमैन बनना है या इन्वेस्टर बनना है। और बिजनेस करने का मतलब क्या होता है, जब बिजनेस करने का मतलब वो नहीं होता कि दुकान खोल के बैठ जाओ, बिजनेस करने का मतलब ये होता है कि भाई आपका एक ऑटोमेटेड सिस्टम ऐसा हो कि आप काम ना भी करो तब भी वो बिजनेस चलना चाहिए। जैसे संदीप सर यहाँ पे बैठे हैं, बट इनकी कंपनी चल रही है, काम हो रहा है, तो इसे बिल्ड करना जिससे आपको काम ना करना पड़े, आपको फ्रीडम मिलती है। ये सिस्टम समझना, क्योंकि बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे रेंट पे हमने घर दे दिया, हमें रेंट आ रहा है तो उसके लिए हम कुछ करते तो नहीं है ना, हमें रेंट आ रहा है तो हमारी पैसिव इनकम हो जाती है। पैसिव इनकम का मतलब क्या है, मैं काम नहीं कर रहा। सो इस तरीके से यू कैन मेक मल्टीपल स्ट्रीम्स। और अब तो यार डिजिटल वर्ल्ड है, आप अनगिनत तरीके से, सारे मुझे भी नहीं पता होंगे, समझ रहे हैं, इतने तरीके हैं कि लोग एक बार अपना एक ऑटोमेटेड सिस्टम बिल्ड कर दें, और उसके लिए आपके पास एक स्ट्रीम ऑफ इनकम होना जरूरी है, दैट इज व्हाट वी कॉल पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम मतलब क्या, जॉब करा हमने या कोई काम किया, जितना काम किया उतने काम के उतने टाइम के पैसे हमको मिल गए, दिस इज एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब क्या कि आपने काम किया एक बार लेकिन पैसा आया जिंदगी भर, जैसे इंश्योरेंस एजेंट्स के साथ में होता है, एक बार एक इंश्योरेंस की पॉलिसी कराते हैं, उसके बाद में 20 साल तक जब तक आप प्रीमियम दे रहे हो उनको पैसा आता रहता है, पॉलिसी उन्होंने कराई एक बार लेकिन अगले 20 साल तक वो पैसा कमा रहे हैं, सो दैट इज पैसिव इनकम। एक इन्होंने एग्जांपल दिया रेंट का, ऐसे और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, और आज की डेट में इतने ऑप्शंस ओपन अप हो गए हैं डिजिटल वर्ल्ड की वजह से जिसकी कोई लिमिट नहीं है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन से, बताइए आप लोगों के क्या क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं। अच्छा, इससे पहले कि ऑडियंस आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे, आपने जिक्र किया नेटवर्क मार्केटिंग का, मल्टी लेवल मार्केटिंग का, आप एक्सप्लेन करेंगे अपने स्टैंड पॉइंट से बेस्ड अपॉन योर एक्सपीरियंस कि नेटवर्क मार्केटिंग के या मल्टी लेवल मार्केटिंग के क्या प्लस माइनस है, फिर मैं भी अपने स्टैंड पॉइंट से थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग एंड व्हाट इज मल्टी लेवल मार्केटिंग, सब जानना चाहते हैं, चलिए यहीं से शुरू करते हैं सेशन को। नेटवर्क मार्केटिंग एक वर्क फोर्स इंट्रेंसिक बिजनेस है, इसमें आपको लगा रहना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आपको कोई झूठे प्रॉमिस करता है एक बार पैसा लगा दो और बस शुरू तुम्हारी गाड़ी, तो वो पहले ही गलत है। आपकी सेल्स के ऊपर आपको कमीशन या परसेंटेजेस आती हैं, और ये सीखने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जैसे मैंने स्टार्टिंग करी तो मैंने क्या बोला कि मुझे सबसे पहले मजा क्या आता था, उनकी कहानियां सुनने में, उनकी बातें सुनने में, क्योंकि वो मुझे सुनने को कहीं मिलता नहीं था। वहां से मुझे देखने को मिला लोग ड्रेसअप कैसे होते हैं, स्टेज पे बोलते कैसे हैं, क्योंकि आप देखेंगे मौत के डर से बड़ा डर होता है स्टेज पे बोलने का डर। और वो संदीप सर ने एक बार अपने सेशन में वो अनस्टॉपेबल में वीडियो प्ले करके दिखाया था जहां मेरी बुरी हालत हो गई थी। सिमिलर टू दैट मेरे साथ भी हुआ है,
और वही वाली बात, वी नेवर गेव अप. तो हमने उसे स्किल को इम्प्रूव किया. तो वो मेरे लिए प्लेटफॉर्म था स्किल्स इम्प्रूव करने का, कनेक्शंस बनाने का, लोगों को इज्जत देने का, ना सुनने का. हमने जिंदगी में ना नहीं सुनी, मम्मी को बोलते थे हमने दूध नहीं पीना. समझ रहे हो, हमारी चौड़ है ना, हम हमारी चलती है. बट जब आप किसी को कोई बिजनेस बताते हो, कोई प्रोडक्ट बताते हो, कहते मैं नहीं ले रहा, जाए यहाँ से. अरे इंश्योरेंस, आप कहते हो तेरे लिए बहुत अच्छा है भाई, मर जाएगा तो तेरी फैमिली को, मेरे मरने की बात कर रहा है, बताऊं तुझे मेरे मरने की, मतलब ऐसे लोग बोलते हैं, समझ रहे हो. सो द थिंग इज यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो आई फील लाइक इट इज अ लॉन्च पैड इफ यू वांट टू ग्रूम अप योर स्किल्स, इंप्रूव योर पब्लिक स्पीकिंग एंड आपका कनेक्शंस बनना. उसके बाद देखिए है क्या चीज, लाइफ में आपको रास्ते दिखते चले जाएंगे बट घर से निकलना जरूरी है. तो ऐसा बोलते हैं, घर से निकलो मंजिल तो मिल ही जाएगी, गुमराह तो वो हो रहे हैं जो घर से निकलते ही नहीं. तो अगर सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो ठीक है, मतलब आपके घर वालों के पास में इतना पैसा है कि 5-10 हज़ार रुपये अगर डूब भी जाएं, या ये कह लो सीखने के लिए आपने लगा दिए, जैसे कोर्सेज करते हो बहुत तरह के, तो ये समझ लो एक 10-20 हज़ार रुपये का कोर्स है, वहाँ पे गए कुछ सीख करके आ गए. जैसे मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी थी, वहाँ पे मेरा कुछ नहीं हुआ लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला. तो आज जो मैं कर रहा हूँ उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ है. कितने का नुकसान हुआ? 5 हज़ार रुपये का. बट उस 5 हज़ार का आज मुझे कितना बड़ा फायदा हुआ? बहुत बड़ा फायदा हुआ. अगर मैं वहाँ नहीं जाता तो मेरा दिमाग नहीं खुलता. तो ये हो गया प्लस पॉइंट. अब आते हैं माइनस पॉइंट क्या है. देखो माइनस पॉइंट ये है कि अगर कोई आपको ये कह रहा है, जैसे इन्होंने बोला कि आपको कुछ नहीं करना है, आप बस पैसा लगा दो तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब बकवास है. ऐसा कहीं नहीं होता है. नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग मतलब क्या, एक प्रोडक्ट है जिसको आपको बेचना है. बिल्कुल ऐसे जैसे आप किसी दुकान पर गए और आपने बोला कि मेरे को ये टूथपेस्ट चाहिए. अब वो दुकानदार कह रहा है कि जो टूथपेस्ट कंपनी है ना, इसकी जो टॉप पे लोग बैठे हैं ना, उनके पास में ये वाली गाड़ियां हैं, वो इतने लाख रुपए कमाते हैं, वो इतने करोड़ रुपए कमाते हैं. आप कहोगे भाई मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे ये बता तेरे पास कौन कौन से टूथपेस्ट हैं. फिर आप कंपेयर करोगे, फिर आप दिमाग लगाओगे, अच्छा एक 20 रुपए का है, 30 रुपए का है, 50 रुपए का है, उसमें से आप कहोगे चल भाई ये वाला देते. तो ऐसे ही वहां पर आपको करना है. भूल जाओ वो लोग आपको क्या बोल रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, कौन सी गाड़ियों की बातें हो रही है, कितने पैसे की बातें हो रही है. आप प्रोडक्ट को देखो, क्या वो प्रोडक्ट आप खरीदोगे अगर उसके साथ में कोई प्रोमिसेस ना हो तो. अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में आपको मिल रहा है उससे बेटर या उसके टक्कर का 10 हज़ार रुपए का और वो दे रहे हैं 50 हज़ार रुपए का, तो गलत हो गया ना. ये पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी है क्योंकि इंडिया में हजारों नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं जिसमें से सिर्फ कुछ जेन्युइन है, बाकी सब जो है वो ज्यादातर शॉर्ट टर्म विजन के साथ में शुरू होती है और शॉर्ट टर्म में खत्म भी हो जाती है, 6 महीने में बंद हो जाती है. आप अपना पैसा लगाओगे बाद में रोते रहोगे ये क्या हो गया. जो मैंने बात बोली उसको हमेशा याद रखना, यानी प्रोडक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दैट कंपनी और इन एनी कंपनी. राइट. अब आपके जो भी क्वेश्चंस है पैसिव इनकम से रिलेटेड आप इनसे पूछ सकते हैं. बीच बीच में मैं भी अपने थोड़े से थॉट्स अगर कुछ होंगे तो वो शेयर करता रहूंगा. सर मैं चाहता हूँ कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ. सर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो इनकम हो वो 1 करोड़ पर मंथ हो. सर ये कैसे कर सकते हैं सर, इसके बारे में सर आप कुछ बताइए. अच्छा 1 करोड़ क्यों? 1 करोड़ सर इसलिए मैं बहुत अच्छी गाड़ी लेना चाहता हूँ, लाइक एक BMW लेटेस्ट वाली. सर चलो वो आ गई. उसके बाद सर एक अच्छा सा घर हो, मतलब बेहतरीन, वो भी आ गया. उसके बाद सर लाइफ तो अच्छी हो जाएगी सर. बिल्कुल शॉर्ट में मैं आंसर दूंगा, एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट एनी सॉफ्टवेयर डेवलपर, एनीबॉडी. जस्ट समझो पैसा आता कैसे है, कोई भी कैसे पैसे कमाता है उसे समझिए. सर आज आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, ठीक है? यस सर. अगर कोई सॉफ्टवेयर आप ऐसा डेवलप करते हैं जिसकी लोगों को नीड है, मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं, canva.com कितने लोगों ने यूज किया? यस सर आई हैव. है ना canva.com. कितनी जरूरत है उसकी लोगों को? बहुत जरूरत है. एक बार नेट पे जाके देखना उसकी वैल्यूएशन कितनी आज की रेट में. इसी से बिल्कुल सिमिलर लेता हूं फोटोशॉप, कितनी बड़ी कंपनी है Adobe, लिस्टेड कंपनी है. तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप कुछ ऐसा डेवलप कर पाए जिसकी लोगों को जरूरत हो और लोग उसके बदले में पैसे देने को रेडी हो जाएं, आपका प्रोडक्ट अगर एक्चुअल में लोगों को चाहिए तो वो दिल्ली में भी बिकेगा, बॉम्बे में बिकेगा, इंडिया में भी बिकेगा, इंडिया से बाहर भी बिक सकता है और पैसा आपको कहीं से भी आ सकता है. सो समझना यह है कि पहली चीज आप ऐसा क्या दे सकते हो लोगों को जिसकी लोगों को जरूरत हो, जिसके बदले में वो आपको पैसा दे सकते हैं, और फिर जो भी आपका मार्जिन है डिवाइड बाय जितना आप कमाना चाहते हो. और आप देखिए क्या उतनी बड़ी मार्केट है उस चीज की, कितना स्केलेबल है. तो अगर आप ये चीज को समझ पाए और ऐसा प्रोडक्ट बना पाए तो सर 1 करोड़ क्या, 10 करोड़ क्या, एनी अमाउंट इज नॉट बिग. एंड वी हैव पीपल जो आज एग्जांपल्स हैं कि ये हो सकता है. सबसे पहले तो आपकी स्टार्टिंग ही गलत है कि मुझे 1 करोड़ कमाना है. 1 करोड़ को भूल जाओ भाई,
मैंने जब अपना करियर शुरू किया था, मैंने ये नहीं सोचा था मेरे को 1 करोड़ कमाना है। मैंने ये सोचा था कि मेरे को ये काम करना है क्योंकि ये काम करना मुझे अच्छा लगता है और इससे लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बाद में पैसा आया ना, और शुरुआत कहाँ से होती है? 1000 रुपये से, 2000 रुपये से, 5000 रुपये से, 10000 रुपये से। तो अभी एक तो 1 करोड़ को छोड़ दो, अभी पहले ये सोचो कि क्या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आप बना सकते हो जहाँ से महीने का 20-30 हज़ार रुपये या 50000 रुपये कमाया जा सकता है। अगर उन लोगों को अच्छा लगता है, वो आगे रिकमेंड करते हैं तो और लोग यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद में आप फंडिंग भी रेज कर सकते हो, आगे एक्सपैंड करने के बहुत तरीके होते हैं, मार्केटिंग कर सकते हो ऑनलाइन ऑफलाइन, बहुत सारे तरीके हैं। तो कितना आगे जा सकते हो उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो डोंट पुट योर फोकस ऑन मनी, पुट योर फोकस ऑन प्रोडक्ट। सर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर म्यूचुअल फंड से या SIP से इन्वेस्ट किया जाए तो क्या बेहतर रहेगा मेरे लिए? अगर जैसे अभी मेरी कम सैलरी है तो मैं अभी से ही शुरुआत करूं, या मैं थोड़ा सा रुक के मार्केट को समझ के और जब मेरे पास हो जाए थोड़ा बहुत अमाउंट तब मैं डालूं? यहाँ पर एक चीज़ आपने जैसे बोली कि मेरी कम सैलरी है, वो तो 10 लाख भी कोई कमा रहा होगा मैं वही बोलेगा मेरे कम सैलरी। तो कहने का मतलब ये है, व्हाटएवर यू आर अर्निंग, सवाल ये आता है उसमें मेरा बचता कितना है, समझ रहे हैं आप? आप चाहे 25,000 कमाते हैं, 20 कमाते हैं, 30 कमाते हैं, जो भी कमाते हैं, अगर आप पहले ये देखें कि मेरी अभी जो लाइवलीहुड एक्सपेंसेस हैं वो क्या हैं, उसके अलावा मैं कितना बचा पाता हूँ। बचाने से कभी पैसा बढ़ता नहीं है। मैं ये एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरी मम्मी को मेरे नाना जी ने कैश दिया कुछ, उसमें उनके पास गड्डियाँ थी, कुछ 100 की, कुछ अलग अलग गड्डियाँ थी, तो वो तिजोरी में रखी हुई थी। जो मैं बड़ा हो गया तो मैंने कहा मम्मी ये वाले नोट मैंने कभी नहीं देखे, ये कहाँ रखे हुए थे आपने, किसने दिए? तो उन्होंने बोला ये तेरे नाना जी ने दिए थे, उन्होंने बोला था संभाल के रखियो कभी बुरे वक्त में काम आएंगे, तो ज़्यादा ऐसे भी काम नहीं है, तो मैंने निकाले नहीं, रखे हुए थे। सर आप ये देखिए, उस टाइम पर मैं कहता मम्मी अगर आप इस पैसे की जगह गोल्ड ले लेती तो उस टाइम पर गोल्ड की वैल्यू क्या थी? 3,000 का 10 ग्राम आता, आज यहाँ पे 55,000 का 10 ग्राम है। तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देता आपका गोल्ड, वो इन्फ्लेशन नहीं समझा सकता था मैं उन्हें। मैंने समझाया कि बस उस टाइम पे मम्मी जलेबी कितने की आती थी, 1 रुपए में कितनी जलेबी आती थी, 1 रुपए में काफी आती थी। मैंने कहा आज 1 रुपए की जलेबी देगा भी नहीं, हो गया हट। सही बात, समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब क्या है, उस टाइम पे उस पैसे से 1 लाख रुपए में छोटी मोटी प्रॉपर्टी आ जाती, उन्होंने वो पैसा तिजोरी में रख दिया, सेव कर लिया और वो खत्म हो गया, वैल्यू खत्म हो गई। उस टाइम पे नाना जी को 1 लाख रुपए देते हुए मान लो कितना बड़ा लगा होगा उनके लिए, वो बड़ा अमाउंट होगा, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। बट उन्होंने जो दिया मम्मी ने रख लिया, क्योंकि उन्हें बोला बुरे वक्त में काम आएगा, बचा कर रखियो भाई। और उससे पैसा बढ़ता नहीं है, पैसा बढ़ता है हमेशा व्हेन यू इन्वेस्ट दैट मनी इनटू समथिंग जिसकी वैल्यू बढ़ती है। तो व्हेन यू डू SIP, आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो, तो म्यूचुअल फंड में ना कंपनीज म्यूचुअल फंड रन करती है, जैसे एक्सिस कर रहा है, ICICI कर रहा है, HDFC कर रहा है, वो फंड मैनेजर पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग अपॉइंट करते हैं जो स्टॉक्स पिक करते हैं जिनमें ग्रोथ हो सकती है और उनमें आपका पैसा लगाते हैं। आप यहां पर एक तरीके से SIP के थ्रू, चाहे वो 500 रुपए महीने की ही हो, 1000 रुपए महीने की हो, आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। सो आपने बोला सर मैं पैसे जोड़ लूंगा तब कर लूंगा, सर पैसे जुड़ते नहीं है ऐसे, खासकर जब आपकी लिमिटेड इनकम होती है। लिमिटेड इनकम में खर्चे ऊपर से टपकते हैं, जिस महीने जुड़ जाएंगे उस महीने किसी की शादी आ जाएगी, आप सोचोगे यार अब तो नए कपड़े बनवा लूं, फिर जुड़ जाएंगे घर में किसी की तबीयत खराब हो जाएगी, मेडिक्लेम होता नहीं है और आपके पैसे उसमें लग जाएंगे, आप जोड़ ही नहीं पाओगे। उसका बेस्ट तरीका क्या है, अपने ऊपर स्ट्रेस लो एक ऐसा अमाउंट जो कि मेरे हिसाब से कम आपकी इनकम का 10% होना चाहिए। चाहे आप 20,000 कमा रहे हो, चाहे 2 लाख कमा रहे हो, चाहे 20 करोड़ कमा रहे हो, आपकी इनकम का 10% तो भूल जाओ, वो आपके पास आया ही नहीं। मान लो TDS कट गया, उसकी SIP तो करा दो भाई, अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है, और अगर है तो उसे और भी कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर। यार देखो मैं सच बताऊं, मैं सर से बहुत छोटा हूं एज में, मैं कल आपकी ना गूगल पे पढ़ रहा था एज कितनी, मैं तो देखूं क्योंकि यार एज के साथ बड़े नहीं होते। मैं खुद की इमेज देख रहा था, मैं सर के सेशन में 2013 में गया, यार स्टेज पे तो वैसे ही थे, आज भी वैसे ही है। आई एम 27, बट द थिंग इज जो माइंड सेट है ना सर, वो डेवलप करना पहले शुरू कर दिया। आपके पास सब कुछ बाद में आएगा, आपको पहले डिजर्व करना पड़ेगा। मतलब आपकी अगर सैलरी है मानो 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, 40,000 रुपये, आप ये सोचो कि मेरी सैलरी ही अगर 30,000 है तो सोचो 27,000 है, तो 3,000 रुपये आपने SIP कर दिया। कौन से फंड्स में? जो 5-स्टार रेटेड है मल्टीपल साइट्स पे, प्लस उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखो पिछले 5 साल का, 10 साल का,
कैसा है क्या है, वो बहुत सारी वेबसाइट्स है वहां से पता लग जाता है। उसमें भी दो ऑप्शंस होते हैं, एक है किसी ब्रोकर के थ्रू करो, एक है डायरेक्ट करो। राइट, डायरेक्ट करते तो उसमें 1% का फर्क पड़ जाता है नियर अबाउट जी, और वो 1% सुनने में छोटा लगता है लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा फर्क हो जाता है जब कंपाउंडिंग बीच में आती है। एब्सोल्युटली सिंपल सी कैलकुलेशन है। इन द वर्स्ट केस सिनेरियो अगर आप महीने का 10,000 रुपए भी SIP करते हो, देयर इज अ वेरी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि आने वाले 20 साल बाद आपके अकाउंट में कम से कम 1 करोड़ रुपए होगा। सिंपल कैलकुलेशन है, ऐसे बहुत सारे कैलकुलेटर्स हैं वहां पे जाकर के आप देख सकते हो। गारंटी नहीं है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इनफैक्ट एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू रिस्क, इवन आर लाइव्स आर सब्जेक्ट टू रिस्क। हैविंग सेड दैट, देयर इज अ वेरी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी राइट कि जो मैंने नंबर आपको दिया है कि अगर आप 10,000 रुपए महीने का जोड़ पाते हैं तो आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए होगा आने वाले 20 साल बाद। अगर 5,000 करते हैं तो 50 लाख रुपए होगा जी। अब ये पैसा आपको चाहिए नहीं चाहिए वो आपके ऊपर है, बट तरीका यही है पैसे से पैसा बनाने का। अगर आप ये सोचो कि अपने आप हो जाएगा तो अपने आप कभी नहीं होगा। वो जो इन्होंने एग्जांपल दिया ना, बहुत अच्छा एग्जांपल है वो कि तिजोरी में उठा करके पैसे को रख दो, उससे कुछ नहीं होता है। टाइम के साथ साथ उस पैसे की वैल्यू कम होती है, बढ़ती नहीं है। तो ये सोचो बढ़ेगी कैसे और मल्टीप्लाई कैसे होगी। आपका टारगेट होना चाहिए मिनिमम 12% की रिटर्न का राइट, क्योंकि इन्फ्लेशन 6-7% के आसपास है तो 12% तो आपको चाहिए ही ना। FD में तो 12% मिलेगी नहीं। तो ये बातें आपको खुद सीखनी होंगी, खुद समझनी होंगी, तभी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाओगे जी लाइफ के किसी स्टेज में जा करके। नहीं तो कितना भी कमा लो एंड में कम पड़ जाएगा। आज ये 1,000,000 करोड़ रुपए महीने का कमा रहे हैं। नहीं नहीं, क्या बोल रहे हो सर, ये रेड मरवाएंगे मेरे घर पे। चलो बट मैं मानूंगा ऐसा, सरस्वती माता बैठे हैं, बट आपकी वीडियो से डिपार्टमेंट वाले देखते हैं सर, वो कहेंगे यार ये तो नंबर का थोड़ी कमा रहे हो, एक नंबर का कमा रहे हो ना, सारा एक नंबर कमा रहे हो, बट टैक्स आप 1,000 करोड़ के हिसाब से बोल रहे हो सर, कैलकुलेट तो कर लो। तो आएंगे कुछ मिलेगा ही नहीं। मैंने तो कल रात ही आप वीडियो देख रहा था और आज आप सामने प्रकट हो गए, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप सामने हो बिल्कुल। सर की भी देखी थी मैंने। तो सर मेरा सवाल यह है कि जो मिडिल क्लास वाले जितने फैमिली वाले मेंबर होते हैं उनका एक ही होता है कि भाई हमारा लड़का है या जो भी है वो ऑफिस जाए और ऑफिस से जो शाम को आता है जो वो सैलरी आती है वही उनके लिए जो है, बाकी अगर हम कोई काम करते हैं वो उनको दिखता ही नहीं है। तो उनकी माइंडसेट हम कैसे चेंज करें? अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 9 to 5, 9 to 6 जॉब पर जा रहे हो तो मैं एक चीज़ क्लियर बोलता हूँ, आप 9 to 5 क्या करते हो इससे आपका घर चलता है, आप 5 to 9 क्या करते हो इससे आपकी किस्मत बनती है। तो 5 to 9 मतलब इवन इफ यू आर वर्किंग, वर्क हार्ड यार, किसने बोला कि काम मत करो जॉब छोड़ दो बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना, घर भी तो चलाना है भाई, पैसे तो चाहिए रेगुलरली चाहिए। तो अगर आज आप कहीं काम कर रहे हो विद ड्यू रिस्पेक्ट डू इट। और जब आपने बोला मैं खाली बैठता हूँ, घर वाले बोलते हैं खाली बैठा तो क्यों बैठे हो भाई खाली, आपने कहा मैं इस तरीके से पैसे कमाता हूँ, वो फ्रीलांसिंग का काम है। हाँ, जो जैसे हम रात में करते हैं जी, 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 इनकम हमारी मेन इनकम से ज्यादा हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो उसे बढ़ाना है जब आपकी पैसिव इनकम, वो हमें पता है लेकिन लोगों को लग रहा है कि हम खाली बैठे, तो भाई सुबह तो काम करके आ रहे हो और कितना करेगा बंदा, तो ये तो हमें पता है ना। आप सच सच बताओ आपके लैपटॉप पे क्या दिखता है आपके घर वाले, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपके लैपटॉप पे कुछ काम होता हुआ दिखेगा और वहां से थोड़ा बहुत भी पैसा आ रहा होगा तो किसी के भी घर वाले ये नहीं कहेंगे कि ये क्या कर रहा है। आपको एक कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी। मेरे एक फ्रेंड है जो एनिमेशन प्रोजेक्ट्स करते हैं फ्रीलांसिंग पे, एंड मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ ही इज डूइंग ब्रिलियंट, बिकॉज आज वो अच्छा खासा कमा रहे हैं जस्ट फ्रीलांसिंग करके। एंड कंसिस्टेंसी है, क्लाइंट्स बने हुए हैं, रेगुलर इनकम है। तो अब क्या हुआ, आपसे फ्रीलांसिंग नहीं रहा, उनके पास टीम भी है, आप लिमिटेड कमाएंगे जब तक आप खुद काम करेंगे। इसे डेवलप करो, इसे पैसिव करो। स्टार्टिंग में हमने पैसिव इनकम की बात करी थी, बढ़िया पॉइंट बोला इन्होंने, क्योंकि ज्यादातर वीडियो सब पैसिव इनकम के ऊपर ही होती है। सर मुझे सब कुछ नहीं आता, आपको सब कुछ नहीं आता, हाँ, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हमसे बहुत अच्छा आता है, हाँ, और उन्हें पैसा चाहिए, भाई हम पैसा दे रहे हैं आप काम करो, और वो खुश हम खुश, बढ़िया बिजनेस हो गया भाई, और क्या चाहिए, बजाओ ताली। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट मींस अ लॉट टू मी सर, लाइक यू मीटिंग सर।